अरविंद केजरीवाल जी ने राइट टू इंफॉर्मेशन का आंदोलन शुरू किया, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की, तो उस समय मैं सुल्तानपुर ज़िले में जो घूस का घूसा अभियान चलाया था अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उस अभियान से जुड़ा। अरविंद केजरीवाल से पहला परिचय और पहली बातचीत मेरी उस आंदोलन के दौरान ही हुई। और जो उनके एक साथी कबीर संस्था और जो उस समय की संस्था थी उसके माध्यम से काम किया, और विभव जो लड़का साथ में रहता था और मनीष सिसोदिया जी, इन लोगों ने संपर्क किया और उसके माध्यम से घूस का घूसा अभियान 15 दिन तक चला था सुल्तानपुर में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ काम उन 15 दिनों में तुरंत होते थे और जिसकी रिपोर्टिंग NDTV और बाकी चैनल्स हिंदुस्तान अखबार करता था, तो उसमें 3 दिन ऐसी प्रमुख घटनाएँ थीं जिसका जिक्र सुल्तानपुर से हुआ। सुल्तानपुर में 3 ऐसे काम हुए जो फ्रंट पेज स्टोरी बनी, जो मीडिया में आया, NDTV में आया, और जिसका प्रचार हुआ कि भाई इन लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तुरंत काम करवाए। तो एक जुड़ाव उस समय से हुआ, उस समय लगा कि भाई ये एक सूचना के अधिकार का आंदोलन अच्छा आंदोलन है, इसके माध्यम से काफ़ी काम लोगों के कराए जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये लगा कि भाई सूचनाएं तो मिल जाती हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती कोई। भ्रष्टाचार की जानकारी आपको मिल गई लेकिन भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? और वो कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई एक सख्त कानून इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ना हो।